गुलबर्गा बीएसपी लीडर महमूद शाह ने मौजूदा सियासी हालात को देख अपनी टीम के साथ नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लोकसभा इलेक्शन में राधाकृष्णा डोडमने जी को सपोर्ट का ऐलान किया है। महमूद शाह 2023 असेंबली इलेक्शन में बीएसपी से गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट थे और ये हमेशा अवामी खिदमत करते आए हैं। गुलबर्गा हफ्त गुम्मत से एमएलए कनीस फातिमा के घर तक रैली की शक्ल में महमूद शाह के साथ सलीम शाह चट्टेवाड़ी, जमील शाह और दीगर लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर शहर की आवाम से वोट कर राधाकृष्णा डोडमने जी को जिताने की गुजारिश की है। इस मौके पर एमएलए कनीस फातिमा, फराजुल इस्लाम, अहमरुल इस्लाम, नईम खान, गौस मत्ते मोड़ और दीगर लोग यहाँ मौजूद थे। नईम खान ने महमूद शाह एंड टीम का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल कर मुबारकबाद पेश की है। इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, Mohtarma Kanish Fatima ke rehaishgah par ghar par aakar BSP Deputy MLA hamare Mahmood Shah जो गुलबर्गा नॉर्थ से इलेक्शन में ठहरे थे, आज देश भर के हालात, मुल्क भर के हालात देखते हुए उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि यहाँ पे हिंदुस्तान भर में जो है ना, कोई पार्टी ऐसी सेकुलर पार्टी नहीं है जो बीजेपी हुकूमत का जो है ना मुकाबला कर सकती है। तो एक वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुस्तान भर में तमाम जो है ना कम्युनिटी को लेकर चलने वाली और तमाम शहर इसमें इंडिया भर में जो है ना तो अमन शांति रखने वाली, तमाम पार्टियों को लेकर चलने वाली और तमाम कम्युनिटी को लेकर चलने वाली एक वाहिद सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी का खात्मा कर सकती है। इसलिए आज एक हर जिम्मेदार, हर कैंडिडेट, हर जो है ना शख्स को, हर कम्युनिटी के हर जिम्मेदार को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी यहाँ पे हिंदुस्तान में तमाम लोगों को परेशान किया है, सिर्फ जो है ना तकलीफ़ दे रहे हैं। एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके अपन सत्ता में बैठकर डेवलपमेंट के नाम पे, झूठे वादों के नाम पर धोखा दे रहे हैं। तो आज हर शख्स जो है ना सोचने पे मजबूर हुआ है कि हमको एक सेकुलर पार्टी में जाना है, उस सेकुलर पार्टी को फिर से मजबूत करना है और वही सेकुलर पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसको जो हिंदुस्तान भर में अमन शांति रह सकती है, तमाम कम्युनिटी को लेकर चल सकती है और हर डेवलपमेंट के बारे में ख्याल रख सकती है, जीडीपी को जो है ना आगे बढ़ा सकती है। वह कांग्रेस पार्टी है जो 70 सालों से हिंदुस्तान भर को जो है ना अमन शांति से रखी सो है। आज हर कोई चाह रहा है कि हम कांग्रेस में ज्वाइन होकर खुशी से, अपने अपने खुशी से और एहसास रखते हुए इस बात का कि आज मुल्क भर में पूरे लोग परेशान हैं, उसका ख्याल रखते हुए खास करके जो है ना ज्वाइन होना चाह रहे हैं। आज मैं महमूद शाह को कांग्रेस पार्टी में वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा पार्टी से जुड़कर पार्टी को मजबूत करें, मैडम कनीस फातिमा को मजबूत करें, आज शहर भर में जो है ना एक अच्छा मैसेज दें। और गुलबर्गा की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़कर जो इस बार के इलेक्शन में खास करके राधा कृष्णा साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए घर से निकलें और वोट करें। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अब हर कोई, हर शख्स एक जिम्मेदार बनकर 7 तारीख के दिन 2 नंबर पे निशान है, वहाँ पे जाकर वोट डालें, हर कोई जिम्मेदारी से डालें। यही हमारा जो है ना बीजेपी हुकूमत को हम गिरा सकते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी से काम ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज देश भर के माहौल को देखते हुए महमूद शाह और उनकी तमाम टीम ने मिलकर एक बहुत अच्छा इरादा किया, एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं महमूद शाह और तमाम उनकी टीम को दिल की अमीर गहराई में कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं और इसी के साथ साथ मैं महमूद शाह और उनकी टीम को मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अपने मोहल्ले में दोस्त अहबाब से, तमाम लोगों से जुड़कर, मिलजुल कर आपस में सबको 7 तारीख को सुबह जल्दी उठकर, एक दिन का काम रहता है, तमाम लोग मिलकर जल्द से जल्द तमाम लोगों को लेकर वोट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज खमरुल इस्लाम साहब के घर पे मोहतरमा कनीस फातिमा के लीडरशिप में मैं ज्वाइन हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी।
मैं कांग्रेस पार्टी को जितना अच्छा हो सका उतने अच्छे पैमाने पे वोट दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरे को आज कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि आज हालत बहुत ख़राब है ऑल इंडिया में। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है हर किसी को परेशान कर रही है सरकार, माइनॉरिटी रहने दे, हिंदू मुसलमान सबको परेशान कर रही है। आज हमारे को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दे रहे यहाँ पे, तो इसी मुद्दे पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी। मैडम कनिष फातिमा का, फराजुल इस्लाम साहब का, ये नईम खान साहब का, गिज्जू भाई का, हमारे अमर इस्लाम साहब का सबका शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पूरे टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।